ने पिछले बार गवर्नमेंट की स्कीम आई थी जिसमें 59 मिनट्स में लोन देने की बात चल रही थी, राइट? तो ऐसा बोला जा रहा है, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में बात किया था कि उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो की गई है, बट बहुत हद तक उसमें कुछ लूपहोल्स भी हैं। तो 59 मिनट्स में लोन तो शायद नहीं मिल रहा होगा, बट यस 59 मिनट में प्रोसेस जरूर हो जा रहा है। प्रोसेस करने के लिए 59 मिनट का मतलब है कि आप अगर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो और आप रजिस्टर्ड एमएसएमई हो, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड एमएसएमई। एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर जनरली 5-10 करोड़ के अंदर ही होता है, ठीक है? 30-40 लाख रुपए से स्टार्ट करते हुए 10-5-10 करोड़ के अंदर तक जाता है, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। तो यहाँ पर इस बार गवर्नमेंट ने एक और चीज एड्रेस की है कि 2% इंटरेस्ट सबवर्शन, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए उनको एक बेनिफिट मिलेगा लगभग 2% का अगर वो एमएसएमई के अंडर में लोन लेते हैं। तो इससे दो बेनिफिट होंगे गवर्नमेंट को, एक तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को रजिस्टर्ड करवा पाएगा। आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं करते, और एमएसएमई में रजिस्टर्ड करने का मतलब क्या है, आपको अपनी सारी डिटेल्स बताना है। इंडिया क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है इतना, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं, आप समझिए ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डिफिकल्ट फेज रहा है गवर्नमेंट के लिए भी कि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि आप अपने बारे में बताइए। बट ये तरीके हैं, कुछ अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लोन चाहिए तो आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होइए। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे आपको अपनी पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप इन फ्यूचर में कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए जो जिसको भी लोन चाहिए उसको एमएसएमई में आना पड़ेगा, और उसका बेनिफिट भी दे दिया कि चलो 2% और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। 2% इज अ बिग नंबर, एमएसएमई को बड़ी हाई रेट पे लोन मिलता है भाई, मोर देन 8-10% पे मिलता है। अगर उस पर भी 2% कम हो रहा है तो ये उनके लिए काफी बड़ा बूस्ट है। इसके बाद डिफेंस का बजट, जैसा मैंने बोला कि इस बार गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो उरी वाला जो फैक्टर हुआ, और उसके बाद काफी लोगों तक ये बात पहुंची कि भाई ये गवर्नमेंट काफी कंसर्न्ड है बजट के लिए। जो ये कह सकते हैं अपोजिशन ने एक बड़ा मुद्दा उठाया राफेल का, जिसको वो लोग सही तरीके से इनकैश नहीं कर पाए, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों के दिमाग में ये आ गया, उल्टा उनको बोल सकते ना कि ये उनके लिए बैकफायर कर गया अपोजिशन के लिए, कि लोगों के दिमाग में ये आ गया कि कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन आर एक्चुअली अपोजिंग डिफेंस डील्स, जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता। अगर ये चुपचाप से ये डील निकल जाती थी तो ये उनका कोई फायदा नहीं उठा पाते थे, बट अब इसका फायदा हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखा जाए लगभग थोड़ा बहुत बजट में इंक्रीमेंट होता ही है, बट इसको एम्फेसाइज क्यों किया गया, अगेन फॉर अ पॉलिटिकल गेन। तो ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रोक मास्टर है, एक पैट्रियोटिक फीलिंग देता है कि नहीं भाई हम बजट में, हमारे लिए बजट में बढ़ाया गया, तो ये भी एक इम्पैक्टफुल है। इसके बाद एक बहुत अच्छा विजन गवर्नमेंट ने दिया है, और वो जैसा बजट के बारे में कहा जा रहा है कि दिस बजट इज मेड फॉर 2030-2025, तो वो बजट में इन्होंने, गोयल साहब ने बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर वी विल बी टारगेटिंग $5 trillion इकोनॉमी। तो $5 trillion इकोनॉमी इज रियली गुड नंबर, ट्रस्ट मी, वी विल बी थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है? तो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने से स्वाभाविक सी बात है ग्रोथ होगा, तो हमारे लिए सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो $5 trillion इकोनॉमी बाय नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड प्रोबेबली बाय नेक्स्ट 8-10 ईयर्स $10 trillion इकोनॉमी, और $10 trillion के लिए आपको अपने से 4 गुना होना है। तो 4 गुना के लिए मुझे लगता है थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें एट प्रेजेंट वी आर ग्रोइंग एट 8%, तो अगर आप मैक्सिमम बूस्ट भी मिलता है जीएसटी के थ्रू, तो वो अगर 10-11% पर भी पहुंचते हैं तो प्रोबेबली हम कहीं पहुंच पाएंगे $6-8 trillion पे 10 सालों के बाद, वो भी कॉन्स्टेंट ग्रोथ। अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ हुआ तो चाइना और इंडिया का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा, चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है वहां पे, कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होने का फायदा क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।